नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे स्वच्छता से स्वस्थ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत मध्य प्रदेश में सफाई अभियान चलाया जाएगा। स्कूल और अस्पतालों में भी स्वच्छता पर विशेष फोकस होगा। इस पखवाड़े के दौरान ही पूर्व के सालों में जो 23 सितंबर का दिन है, 23 सितंबर को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। इसी कार्यक्रम के तहत हर विधानसभा सीट पर 8 से अधिक उम्र के महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। 2 अक्टूबर तक वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में पहले से चल रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान को भी शामिल किया जाएगा। सफाई, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर आधारित स्वच्छता पखवाड़े का मुख्य लक्ष्य सफाई को बढ़ावा देना है। इस वर्ष अभियान की थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता निर्धारित की गई है। आज इसी अभियान पर चर्चा करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। नौ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वच्छता के लिए एक स्पष्ट संदेश देकर आह्वान किया था। सभी क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों ने इसका स्वागत किया और सक्रियता दिखाते हुए स्वच्छ भारत के लिए भागीदारी में अत्यधिक उत्साह दिखाया। परिणाम स्वरूप स्वच्छता एक राष्ट्रीय स्वभाव बन गया। शहरों के बीच साफ बनने और नंबर वन बनने की होड़ लग गई और हर किसी की जुबान पर स्वच्छ भारत मिशन एक घरेलू नाम की तरह बन गया। इसी मिशन को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साफ सफाई और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। साफ सफाई एक ऐसा गुण है जिसे स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है, बीमारियों के प्रकोप से बचा जा सकता है और गंदगी से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से मध्य प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का फैसला किया गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान नाम से ये पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। 10 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान में सरकार जन भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी, लोगों को श्रमदान और स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया जाएगा। इस वर्ष अभियान की थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता निर्धारित की गई। इस अभियान से हर वर्ग को जोड़ा जाएगा। कैबिनेट की बैठक से पहले स्वच्छता ही सेवा अभियान का प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। प्रथम स्तंभ में स्वच्छता की भागीदारी के अंतर्गत जागरूकता और एडवोकेसी, दूसरे स्तंभ में स्वच्छता अंतर्गत श्रमदान और लक्षित इकाइयों के कायाकल्प, तीसरे स्तंभ में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच और सामाजिक सुरक्षा कवरेज संबंधी गतिविधियां संचालित होंगी। अपने आस पड़ोस से लेकर रेलवे ट्रैक तक, धार्मिक स्थानों से लेकर राजमार्गों तक, सार्वजनिक स्थानों से लेकर घरों तक कचरा मुक्त किया जाएगा। हर स्थानीय शहरी निकाय और ग्राम पंचायत सफाई अभियान के लिए जगह का चयन करेगी। पुरानी इमारतों की मरम्मत से लेकर जल निकायों की सफाई, घाटों की सफाई से लेकर दीवारों को रंगने का काम किया जाएगा, पानी निकासी को दुरुस्त किया जाएगा। अभियान के लिए नुक्कड़ नाटकों से लेकर रंगोली प्रतियोगिताओं जैसे सभी आयोजनों से जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद से इस तरह के अभियान चलाए जाने लगे और लोगों में एक भावना की तरह सफाई उनके व्यवहार में आ गई। अब देखिए, मध्य प्रदेश का इंदौर ही लगातार स्वच्छता में अव्वल आ रहा है और उसमें भोपाल ने भी भागीदारी दर्ज कराई और लगातार हम देख रहे हैं लोगों में अब भावना है कि कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ ही महात्मा गांधी के जन्मदिन तक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक ये जो पखवाड़ा मनाया जाता है इसमें अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें पौधारोपण होता है, सफाई होती है और सफाई ना केवल आसपास बल्कि रेलवे ट्रैक हो, धार्मिक स्थान हो, तमाम जगहों पर स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। बड़े बड़े नेता, मंत्री, संतरी सब झाड़ू लेकर सफाई करते हुए नजर आते हैं।
तो एक बहुत अच्छी कोशिश थी जिसे सभी ने सराहा, ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी सराहना हुई और लगातार स्वच्छता में हम देख रहे हैं कि देश में अलग अलग जगहों पर ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद से आपने देखा कि कचरा गाड़ियां घर घर पहुंचने लगी कि लोग कचरा फेंकेंगे तो कहां फेंकेंगे। तो कई सारे ऐसे नवाचार हुए जिन्होंने ये बताया कि स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है और स्वच्छता कितनी जीवन के लिए जरूरी है, ये भी हमने सीखा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, किस तरीके से इस पखवाड़े को मनाने की तैयारी अलग अलग जगहों पर और क्या कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे इस पर हम विशेष जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी शबाना जुड़ गई हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ उनके क्षेत्र में तस्वीर है। शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई है, जबलपुर से सोमनाथ भी जुड़े हुए हैं। शबाना, क्या कुछ इस स्वच्छता पखवाड़े में कार्यक्रम के आयोजन होने हैं और किस तरीके के कार्यक्रम होंगे, क्या नवाचार इस बार किए जा रहे हैं? शबाना जी, देखिए आज से यानी कि 17 दिसंबर से 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता को लेकर एक अभियान चलाया गया था और उसी के तहत पूरे देश को स्वच्छ बनाने की कवायद की गई थी और लगातार सभी मंत्री और लोगों ने, आम जनता ने जन भागीदारी करके स्वच्छता को प्राथमिकता से रखा था। और आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि लगातार स्वच्छता को प्राथमिकता देते हैं, अब जो है मध्य प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मनाया जाएगा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 दिसंबर से लेके महात्मा गांधी के जन्मदिन तक जो है 2 तारीख तक मनाया जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें सभी लोग जन भागीदारी करेंगे, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों को देख लीजिए या फिर मंत्रियों को देख लीजिए, तमाम विभाग के अधिकारी आप चलिए लगता है शबाना टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शबाना का ऑडियो हमें नहीं मिल रहा है। मैं लौटूंगी शबाना आपके पास। हमारे साथ सोमनाथ भी बने हुए, इंदौर से योगेश भी जुड़े हुए हैं और अतुल सेठ साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिटी प्लानर हैं आप। अतुल साहब, आवाज मिल रही है आपको सर? जी बहुत स्वागत। शबाना लौटूंगी आपके पास। अतुल सेठ साहब, जिस तरीके से कोशिशें लगातार हो रही हैं और 2014 के बाद से तो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण, हमने देखा कि लोगों ने इसे महत्वपूर्ण माना और अपना भी खुद की भागीदारी भी दर्ज कराई है, आम हो खास हो सभी ने सफाई खुद जाकर की है। इसने एक बड़ा संदेश दिया जनमानस को जिसके बाद आदत सी हो गई है साफ सफाई की, स्वच्छता की। पहले कोई इतना जागरूक भी नहीं था और स्वच्छता को लेकर लोग कंप्लेंट्स भी नहीं करते थे। अब यहाँ वहाँ कचरा देखते हैं तो फौरन सोचते हैं कि कंप्लेंट की जाए ताकि साफ सफाई उनके आसपास बनी रहे। अतुल सेठ साहब, जिस तरीके से इस साल नए नए नवाचार किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, मुख्यमंत्री भी कैबिनेट में स्पेशल प्रेजेंटेशन दिया गया किस तरीके से पखवाड़ा मनाया जाएगा, आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को क्या कुछ खास होने वाला है इसमें? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए विशेष चुनौतियां इसलिए है कि इंदौर भोपाल जैसे शहर देश के स्वच्छतम शहरों में से एक पिछले कई सालों से बने हुए है। जी जी। और हम सब जानते हैं कि चोटी पे बने रहना अपने आप में किसी भी क्षेत्र में बहुत मुश्किल का कार्य होता है, मगर शासन ने इस बार भी कमर बांधी है और इंदौर शहर से लेके पूरे प्रदेश में स्वच्छता को लेके एक अभियान जो शुरू हुआ है, ये इंदौर में हम कह सकते हैं कि एक आदत सी बन गई है आम जनता की और आम जनता भी इसके अंदर बहुत अच्छा सहयोग करती है। आम जनता को लगने लगा है कि स्वच्छता की वजह से काफी बीमारियां कम हुई हैं, मच्छर कम हुए हैं और स्वास्थ्य संबंधी काफी लाभ इंदौर शहर को मिला है। वहीं एक अच्छा वातावरण भी इंदौर शहर को मिला है और यह पूरे प्रदेश में मिले उसके लिए मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य योजना बनाई है वो निश्चित ही सफल होगी। और अब जो समय है, मुझे ऐसा लगता है कि शहरों गाँव को अलावा इनको जोड़ने वाले जितने मार्ग है उसकी भी सफाई का एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है प्रदेश में, क्योंकि शहर और गांव तो हम साफ कर लेते हैं मगर इन दोनों के बीच को जोड़ने वाली जो सड़क होती है वो किसी भी क्षेत्र में आती नहीं है और जब हम इस मार्ग पे चलते हैं तो काफी गंदगी हमें दिखती है। मुझे लगता है कि ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमको सबको विशेष ध्यान देना होगा और अपने प्रयास करने होंगे। बिल्कुल, हमारे बाकी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी बात आप सुनिए और उनमें से अगर आपको लगता है कि किसी बात को लेकर आपको अपना विशेष ओपिनियन रखना है
तो बिल्कुल सेठ साहब आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं इंदौर की तरफ रुक कर रही हूँ, योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमने जिक्र किया, लगातार स्वच्छता में नंबर वन बनने का तमगा इंदौर को हासिल है, लेकिन उसके बाद जैसे कि अभी सेठ साहब कह रहे थे कि हम एरिया साफ कर लेते हैं, कॉलोनी साफ कर लेते हैं, मोहल्ला साफ कर लेते हैं, लेकिन उन सभी को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहाँ पे कमियां रह जाती हैं। लेकिन विशेष अभियान जिसके माध्यम से प्रेजेंटेशन भी दिया गया है उसमें कुछ भी अछूता नहीं है, लेकिन इस अभियान में किस तरह से ये रफ्तार पकड़ेगा, और वजह इसलिए भी आज चर्चा करने की कि हम ये पखवाड़ा ही ना मनाएं, हम हमेशा ही इस बात की आदत डालें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए पारुल, अतुल सेठ साहब ने जो बात कही उसमें मैं कुछ और एक चीज ऐड करूंगा। अतुल सेठ साहब ने कहा कि जो गांव से शहरों को जोड़ने वाले के बीच का मार्ग होता है उसको साफ करना चाहिए। इसी तरह इंदौर शहर की बात करें, प्रमुख मार्ग जो है या जो ऐसे क्षेत्र है जहां पर आवागमन ज्यादा होता है वहां पर साफ सफाई दिखती है, लेकिन निचली बस्तियों में या अंदर मोहल्लों में साफ सफाई का अभाव है। इंदौर शहर में पिछले 7 बार से इंदौर स्वच्छता में नंबर वन आया, और गर्व का विषय मध्यप्रदेश ही देश भर के लिए गर्व का विषय कि इंदौर इस तमगे को लगातार हासिल कर रहा है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अधिकारियों के जो लापरवाही, अधिकारियों के जो संवेदनशीलता या अधिकारियों की गंभीरता के कारण से कहीं ना कहीं स्वच्छता में कमी दिखाई दे रही है। और अतुल सेठ साहब इस बात को एग्री करेंगे और अतुल सेठ साहब इस बात का जवाब दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं गंदगी दिखाई दे रही है। लगातार निगम आयुक्त को कलेक्टर तक ये बात पहुंच रही है, फोटो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं गंदगी दिखाई दे रही है। इस मामले को गंभीरता से कलेक्टर ने भी लिया है, शिवम वर्मा भी लगातार इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि अब स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर इंदौर शहर की स्वच्छता पर अगर सवाल उठा तो क्या इस तमगे को 8वीं बार कायम रखा जा सकता है? स्वच्छता पखवाड़ा मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे इंदौर शहर को 7 बार जो तमगा मिला वो लोगों की आदत के कारण मिला है। लोगों को आदत हो गई थी, लोगों की आदत इसलिए हो गई थी कि अधिकारियों ने उस आदत को बरकरार रखा था। अधिकारियों ने ये बताया था कि हम भी स्वच्छता में, सफाई में आपका साथ दे रहे हैं, आप भी हमारा साथ दिए। लगातार सड़कों को साफ किया जाता है, लगातार रात रात भर सड़कों को चमका जाता है, गंदगी उठाई जाती है। आज इंदौर शहर धूल से मुक्त क्यों है, पॉल्यूशन फ्री क्यों है? धूल मुक्त होने का कारण एक ही, नगर निगम के अधिकारी ने, कर्मचारी ने, सफाई कर्मी ने लगातार सड़कों को साफ किया, तब जाके शहर धूल मुक्त हुई। अब इंदौर शहर में कहीं ना कहीं लोगों की आदत में कमी सी दिखाई दे रही है। अब लोगों को लग रहा है कि जो अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, कर्मचारी ध्यान नहीं दे, हम कचरा भी यही डाल दें। कई बार ये देखने में आता है कि जगह जगह कचरे के डंपिंग छोटे छोटे से स्पॉट दिखाई देते हैं, जो हमें भी मजबूर करते हैं कि हम भी इस मामले को नगर निगम, निगम आयुक्त के अधिकारी को पहुंचाए और पहुंचाते भी कि सर कहीं ना कहीं गंदगी का आलम दिखाई दे रहा है, आपको इसको और एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। क्या स्वच्छता में हम लगातार नंबर वन 8वीं बार आ सकते हैं? इस बात को लेकर अभी हेलो जी अतुल जी, योगेश भाई, इसमें जो चुनौती है वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती जो मेरा आकलन है वो ये आर्थिक है, क्योंकि सफाई के अंदर पिछले 7 सालों में इंदौर नगर निगम के अंदर जो खर्च हुआ है वो एक सामान्य से बहुत ज्यादा खर्च है उसके अंदर, और उसका परिणाम है कि हमको अच्छा परिणाम भी मिला। हम इंदौर को पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर नंबर एक पे स्थापित कर पाए, मगर हम सब जानते हैं कि एक नंबर पे बने रहने की जो ताकत है वो आर्थिक ताकत तो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो हम सब जानते हैं कि अभी इंदौर नगर निगम की और नगर निगमों की हालतें आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस आर्थिक पहलू को भी देखना होगा कि इसके अंदर खर्च करते करते जो बाकी सुविधाएं हैं शहर की, चाहे वो ड्रेनेज की सुविधा है, चाहे वो सड़कों की सुविधा है, चाहे वो मेंटेनेंस की सुविधा है, चाहे वो अन्य व्यवस्था के जो सवाल है, उन सब में हम पिछड़ न जाए। और आज की तारीख में जो नगर निगम पे कर्ज है, जो देनदारियां हैं वो बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इस अर्थ की जो क्षति हो रही है, जो इसकी जो क्षतिपूर्ति है, इसके लिए भी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को मिलके इंदौर जैसे बड़े शहरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा, अन्यथा ये खर्च बहुत बड़ा खर्च है और इसको एक नगर निगम वहन नहीं कर सकता अपने बलबूते के हिसाब से। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम सबको ध्यान देना होगा। बिल्कुल, सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में क्या स्थिति है, क्योंकि जबलपुर भी लगातार कोशिशें कर रहा है स्वच्छता में अपनी रैंकिंग हासिल करने की, और अब इस मिशन के साथ जैसे कि अभी कह भी रहे थे योगेश कि इंदौर में लगातार इस चीज को लोगों ने व्यवहार में शामिल किया है, लेकिन बाकी जगहों पर इच्छा शक्ति लोगों में दिखाई नहीं देती। स्वच्छता पखवाड़े में शायद वो इच्छा शक्ति लोगों में पैदा हो, और अलग अलग जो कार्यक्रम, पहला पखवाड़ा, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, इन अलग अलग स्तंभों के माध्यम से अलग अलग जगहों पर
स्वच्छता का जो कार्यक्रम है वो तैयार किया जा रहा है, तो जबलपुर में इन कार्यक्रमों को लेकर या इस पखवाड़े को लेकर क्या तैयारियां हैं, लोगों में किस तरह का उत्साह है? म्यूट है शायद सोमनाथ, आपका डिवाइस अनम्यूट कर लीजिए। जी बता दूं कि स्वच्छता का जो अभियान पूर्व में चलाया गया था, तो उस अभियान के तहत लोग काफी जागरूक हुए हैं और देखा जा रहा है कि लोगों द्वारा जो कचरा फेंका जाता है वो डस्टबिन का ही इस्तेमाल किया जाता है, डस्टबिन ढूंढता ही कचरा फेंकते हैं, तो जो जगह जगह गंदगी रहती थी जो लोगों द्वारा जगह जगह कर दी जाती थी, उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन अगर बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम में 79 वार्ड जबलपुर में है और स्वच्छता का जो सफाई व्यवस्था को लेकर जो ठेकेदार द्वारा जो ठेके कर्मचारी लगाए जाते हैं उसमें लगातार भ्रष्टाचार होता है। ये हम बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश या देश भर की बात है। अगर ठेकेदार द्वारा 50 लेबर लगानी है तो 30 लेबर से काम कराता है, जिसकी खामियां आम जनता को भुगतना पड़ता है क्योंकि पूरी तरह प्रॉपर सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो ये जो कमीशन खोरी के चक्कर में लेबर जो कम लगाई जाती है, ये सबसे बड़े खामियां जा रही। डोर टू डोर कचरा जबलपुर में उसका ठेका था, उसका ठेका खत्म हो गया। 400 कर्मचारियों ने कल ही जन सुनवाई में शिकायत दी है कि वो बेरोजगार हो गए। तो अब ठेका कंपनी द्वारा ठेका खत्म कर दिया गया और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई की जा रही है, तो कितने नगर निगम के कर्मचारी है उनके माध्यम से ये सफाई की जा रही है। और उसमें भी लापरवाही, सबसे बड़ी बात ये है कि 40 कर्मचारी या 50 लगाए जा रहे हैं तो उसमें से 15 या 20 काम कर रहे हैं, बाकी की सैलरी तो पूरी ली जा रही है लेकिन वो बंदर बांट हो जा रही है। तो इस तरह की जो खामियां है उसको दूर नगर निगम को करना चाहिए, क्योंकि जो शासन का पैसा है वो तो खर्च किया जा रहा है लेकिन जनता तक उसका व्यापक रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये समस्या है प्रमुख तौर पर है और स्वच्छता का ये पखवाड़ा काफी अच्छा ही है और इससे आम जनता को काफी जागरूक भी हो रहा है और स्कूलों में भी देखा जा रहा है कि बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है और आज के जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग जो है, वो स्वच्छता के प्रति काफी ज्यादा तैयार है। जी बिल्कुल योगेश, ये सही बात है कि कई जगहों पर ठेका सिस्टम जो जगह ले चुका है उसकी वजह से कई सारे ऐसे जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, उनको कहीं ना कहीं जो खासतौर पर जो परमानेंट है उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ठेका प्रथा के अंतर्गत काम कर रहे हैं ना केवल उनका शोषण हो रहा है, कई को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और दूसरी तरफ हम उन्हीं से सफाई की उम्मीद कर रहे हैं। कई जगहों पर इन सफाई कर्मियों ने जो साथ दिया है शायद वो वाकई बेहतरीन है, और वो जो मेहनत करते हैं, वो जो काम करते हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से वो अपना पूरी जान जोखिम में डालते हैं और उसके बाद जो निकल कर आता है वो सभी को दिखता है। कि एक तस्वीर आप वो देख लीजिए जिस तस्वीर में आपको कचरा दिखेगा, गंदगी दिखेगी, नाले भरे हुए दिखेंगे या सीवेज भरे हुए दिखेंगे, और दूसरी तस्वीर उन्हीं की क्लीनिंग की। तो ये मुमकिन हो पाता है इन्हीं की वजह से, इन्हीं की बदौलत। अनम्यूट कीजिएगा योगेश, डिवाइस आपका जी। अरुण देखिए, नगर निगम की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, तो मध्य प्रदेश में कई जगह आज भी ठेका पद्धति चल रही है। इंदौर शहर में पहले ये ठेका पद्धति पर जो है सफाई हुआ करती थी, लेकिन जब देखा गया है, जब स्वच्छता में हम तमगा हासिल किया, जब हम लोगों ने तब ठेका पद्धति को बंद किया गया, कई ठेकेदारों ने इस मामले को लेकर लापरवाही बरती, कोताही बरती और इसके बाद उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया, कई कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया। सफाई में अगर कहीं भी लापरवाही बरती जाती इस मामले में जो जनप्रतिनिधि है, महापौर है, निगम आयुक्त, उन्होंने इस बात को जरूर गंभीरता से दिखाया है कि जहां पर लापरवाही बरती जाएगी वहां पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई भी की है। इसलिए ठेका पद्धति पर इंदौर शहर में काम नहीं, मध्यप्रदेश कई जगह पर काम होता और कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं उन लोगों का शोषण किया जाता है, उन लोगों को जो राशि मिलना चाहिए, जो उनको उनका उनका मेहनताना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और इंदौर में तो नगर निगम सफाई कर्मचारियों के लिए बिल खोलकर खर्च करता है। अतुल सेठ ने बताया कि आप आर्थिक परेशानी जरूर है नगर निगम में, लेकिन नगर निगम में आर्थिक परेशानी के कारण जो खुद अधिकारी और जो प्लानर है वही है, क्योंकि आज हम बता दें आपको कि इंदौर शहर की जो कांस और सरस्वती नदी है ये बहुत गंदी हुआ करती थी और इस पर लगभग 1,000 करोड़ से ऊपर का खर्च हो चुका है अब तक, और अभी 1,622 करोड़ रुपए का और एक बजट निकाला कि 1,650 करोड़ रुपए का एक बजट और निकाला है जो सिंह तक इंदौर से कान नदी जो सरस्वती नदी जो उज्जैन तक गुजरती उसको साफ किया जाएगा। अब आप बताइए कि जो 1,100 करोड़ से ऊपर का खर्च हो चुका है
वो खर्च कहाँ दिखाया जाएगा, वो खर्च कहाँ गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर है। सोमनाथ जी ने जो बात करी कि भ्रष्टाचार जो है वो आलम पर है, और इसी कारण से जो है कहीं ना कहीं हम इस मामले में पिछड़ते जा रहे हैं। इंदौर से पिछड़ने का कारण ये है कि हम लोगों ने लोगों की आदत को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। लोगों की आदत को खत्म करने का कारण ये है कि अधिकारी कर्मचारी लापरवाह हो गए, कचरा नहीं होता। हम आपको छोटा सा इंसिडेंट बताते, इंदौर में एक हमारे पत्रकारों का, जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का एक ग्रुप है नगर निगम का, उसमें एक उपायुक्त से रिटायर उपायुक्त जो कुछ समय पहले रिटायर, उन्होंने गंदगी को लेकर बहुत गहरी चर्चा की उसमें, और उन्होंने सवाल खड़े किए, कई जगह के फोटोज डाले उन्होंने, तब जाके नगर निगम के अधिकारी जाके और उस फोटो के आधार पर उस जगह की सफाई करें। अब आप सोचिए रिटायर नगर निगम के अधिकारी भी ऐसे मामलों को सवाल उठा रहे कि आपकी स्वच्छता से कहीं ना कहीं सवाल या निशान हो रहे। जब स्वच्छता में आंसू किया तब वो नगर निगम में उपायुक्त थे, अब आज उन्होंने सवाल कि वो आईना दिखाना चाहते हैं, वो ये नहीं बताना चाहते, बुराई नहीं बताना चाहते, किसी तरह की खराबी नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, और सच्चाई सामने आएगी तभी हम शहर को साफ रख सकेंगे। और इस मामले को लेकर अब निगम आयुक्त और अधिकारियों कलेक्टर को और जागरूक होना पड़ेगा। स्वच्छता पखवाड़े की इंदौर को जरूरत नहीं है, लोगों की आदत हो चुकी है, लोगों की आदत को बरकरार रखना इसके लिए और अधिक प्रयास करना होंगे। हाँ, पखवाड़ा जरूर है, पखवाड़ा मनाने से एक संदेश जरूर जाता, मैसेज जरूर जाता है। जो 15 तारीख से 2 अक्टूबर तक पखवाड़ा मनाया जाएगा उसमें इंदौर और गंभीरता से काम होना चाहिए, जिस तरह के प्रतिदिन कॉम्पिटिशन हो रहा है। जी सोमनाथ, आदत की बात, ये आदत आपको कितनी दिखाई देती है जबलपुर वासियों में, क्योंकि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कचरा कहाँ पड़ा हुआ है, लोग सफाई में, या फिर अगर गाड़ी नहीं आती है तो लोगों का आक्रोश क्या होता है, इससे पता चलता है कि लोग स्वच्छता के प्रति कितने अग्रसर हैं। आप क्या बताएंगे जबलपुर वासियों के बारे में? देखिए बताएं, जो बस्ती का क्षेत्र है वहां पे तो गंदगी का आलम लगा हुआ है, क्योंकि वहां लोग कम पढ़े लिखे और जागरूक भी कम है उस वजह से, और वहाँ सफाई व्यवस्था भी व्यापक रूप से नहीं होती। लेकिन जो जितना भी मूवमेंट वीआईपी क्षेत्र है वहाँ पे स्वच्छता दिखाई देती है, जैसे अपने यहाँ कैंट विधानसभा है, आर्मी का जो क्षेत्र है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो क्षेत्र है, जबलपुर में 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जो क्षेत्र है वहाँ सफाई व्यवस्था है। और मैं सबसे बड़ी बात है कि सड़कें दुरुस्त है, वहाँ पे सड़कें व्यापक रूप से तो सफाई व्यवस्था दिखती है अगर झाड़ू लगी है। और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सफाई व्यवस्था बिल्कुल नदारद है, सफाई कर्मचारी वहाँ पहुंच नहीं पाते और सफाई नहीं रहते तो गंदगी का आलम बना रहता है। और सबसे ज्यादा है कि गंदगी होने की वजह से बीमारी का खतरा भी ज्यादा बना हुआ रहता है, जैसे मुस्लिम बस्ती ले लें आप। जी तो इस तरह के जो कह लीजिए आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, तो स्वेच्छा से जो अगर देखा जाए तो स्कूलों में ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जो छात्र छात्राओं को उनको जागरूक किया जा रहा है, तो वो अगर स्कूल परिसर में रहते हैं, घर में भी पहुंचते हैं तो उनको स्वच्छता दिखती है। जी सेठ साहब, आप क्या कहेंगे? अभी योगेश भी बता रहे थे कि बजट है लेकिन भ्रष्टाचार इतना है कि वो बजट कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि ग्रुप में अधिकारियों के सामने ये बात रखी गई थी। तो आप कितने भी पखवाड़े चला लीजिए, कितनी भी स्वच्छता की बातें कर लीजिए, अगर भ्रष्टाचार है और वो बजट कहीं और जा रहा है तो फिर वो पॉसिबल नहीं है सर। इसमें मुझे लगता है पारुल जी की ई गवर्नेंस का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है और ई गवर्नेंस इसमें बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है। इंदौर में जो नंबर एक स्थान प्राप्त किया उसमें इंदौर की एक जो थी इंदौर 311 उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसपे लोग फोटो डालते थे लाइव और लाइव ट्रैकिंग होके उसका जो रिस्पॉन्स आता था वो बहुत अच्छा था। अभी पिछले कुछ दिनों से ये इंदौर 311 ऐप जो है वो इतना अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, और इसको जितना ज्यादा प्रभावी रूप से कार्य में लाया जाएगा और इसे ये पूरे प्रदेश में अगर बनते हैं स्थानीय शासन के लिए तो आम जनता इसके अंदर सहयोग करने को इच्छुक है। आज जरूरत है सरकारी मशीनरी को सजग करने की और सक्रिय करने की, और इसका एकमात्र उपाय हो सकता है ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से ऐप बना के अगर लाइव ट्रैकिंग और लाइव कंप्लेंट की जाए तो मुझे लगता है कि प्रदेश अपने स्वच्छता पखवाड़े को सार्थक कर पाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सेठ साहब, आपका भी शुक्रिया सोमनाथ, और योगेश आपका भी शुक्रिया। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। स्वच्छता को लेकर पखवाड़ा पूरा मनाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के के बर्थ डे के साथ ही इस पखवाड़े को पूरा किया जाएगा। अलग अलग कार्यक्रम इसमें होंगे, लेकिन सवाल यही है कि इस पखवाड़े की जरूरत
क्यों महसूस हो रही है? इसलिए कि क्योंकि एक मुहिम के रूप में प्रधानमंत्री ने इसे चलाया था, तो ठीक है, एक स्पेशल तौर पर इसे मनाया जा रहा है, लेकिन एक आदत जो इंदौर वासियों में भी आ गई है कि उन्हें साफ सफाई से प्यार हो गया है, वैसे ही हर नागरिक को साफ सफाई से प्यार करना चाहिए, वैसे ही हर नागरिक को ये समझना चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, उन्हें ये समझना होगा कि साफ सफाई इसलिए जरूरी है कि ना केवल साफ दिखे बल्कि आपके लिए स्वच्छता स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जरूरत है। और इसलिए कहीं पर भी आप ये चीजें देखें जहां गंदगी हो, क्योंकि तमाम जगहों पर व्यवस्था है, कचरा गाड़ियों की, कचरा वाहनों की, नगर निगम के पास बजट है ताकि वो जगह जगह से अगर कचरा है भी तो उन्हें उठवाया जा सके, लेकिन पहली ड्यूटी, पहला कर्तव्य आपका भी है कि आप कहीं पर भी कचरा ना फेंके, गाड़ियों का इंतजार करें या जहां पर नगर निगम के कचरा टैंकर से वहां तक जाकर कचरा फेंक कराएं, क्योंकि हम आदत सुधारेंगे तो व्यवस्थाएं भी सुधरेंगी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।